और आपके इतनी दूध पीते बच्चे भी नहीं हो। मैं हमेशा ये डायलॉग यूज करता हूँ कि मुझे बार बार बताना पड़े या किसी को भी बार बार बताना पड़े कि आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, वो आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं बेटा। आपके जब भी मन करे ना आपका बकवासबाजी करने का, जब भी मन करे आपका टाइम पास करने का, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ जाओ, बस उनकी शक्लें देख लो। अपने आप बकवासबाजी करने का मन नहीं करेगा, अपने आप पढ़ने बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करना। एक बार बस बाहर निकलो और बाहर खड़े होकर एक बार अपने घर को देख लो। ये वही घर है जो हो सकता है आपके दादाजी ने बनाया हो, आपके पिताजी सिर्फ उसको रिपेयर करा पाए, या हो सकता है खून पसीने की मेहनत लगा के आपके पापा ने उसको बनाया हो। मेरे दोस्त, उसको तुम्हें ऐसा ही रखना है या थोड़ा कुछ बेहतर अपने माँ बाप के लिए करना है, आप ये सोच लीजिएगा। मैं मां कसम खा के कह रहा हूं, साला किसी बकवासबाजी में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, कुछ नहीं है, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। 1% भी ना मेरे मोटिवेशन की जरूरत, ना किसी और टीचर को जरूरत पड़ेगी आपको मोटिवेट करने का, आप चुपचाप जाके पढ़ने बैठ जाओ। ये दो काम करो, या तो मां बाप का चेहरा देख लो, या खड़े होके अपने बार बाहर खड़े होके एक बार अपने घर की शक्ल देख लो। क्या रखना है आपको उसको, वैसी ही शक्ल चाहिए, वैसा ही घर चाहिए, वो चाहिए। ठीक है भाई, पक्का समझ में आई बात?